हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विथ शिवानी। बरा को नॉर्मली आम बिरी रे सुजी किंबा चावल दे बनई थाउ। आज मु बिरी रे मैदा दे बरा बनईबी, जोटा कि बाहर पूरा क्रिस्पी आ भीतर पूरा सॉफ्ट। ता सह बरा रे खाइबा को नड़िया चटनी रेसिपी मध्य कहबी। तो चालन तो बरा आ नड़िया चटनी बे बनईबा। बरा पई मु चोपा छड़ा बिरी नै छी, ताकु मिनिमम 2-3 घंटा जाय मु पानी रे बतुरी दे रखि देबी। बिरीटी बतुरी की पूरा सॉफ्ट हो जाएगी। बिरीटी वर्तमान नरम हो जाएगी, ताको मुझे भी भला भाव बहलिया करी ग्राइंडिंग कर देबी। बिरी बटा को जमारु पानिया करी बाटिबेनी, कारण ताको भेणेबा द्वारा आपे तार कंसिस्टेंसी चेंज हो पानिया हो जिवो। बिरी बटा टी को एमिति 4-5 मिनट जे मु भला भाव फेणेबी। एमिति करबा द्वारा बरा कला बेले बटा को धरिबारे सहज हुए और बराटी मध्य खाइबा को सॉफ्ट आउ क्रिस्पी लागे। बटा टी परफेक्ट कंसिस्टेंसी रही जाएगी। एबे ताको मु गोटे घंटा जाय घोड़े रखि देबी। गोटे घंटा पर बिरी बटाटी भल भाव फुली जाइए। एवं से बरा दरकार होता सामग्री मुझे पकईदेवी। मुझे टोटाल 300 ग्राम बिरी नहीं, से 100 ग्राम सुजी नहीं जाइए, 100 ग्राम मैदा नहीं जाइए, अल्प किसी अदा को मुझे छेचिकी रखी ताक नहीं, भृसंग पत्र और 2-3 कटा कंचा लंका नहींचि और गोटे बड़ चामच जीरा पकईदेवी और स्वाद अनुसार लुण दे भल भाव मिसईदेवी। जेहेतु बिरी रे टिके सुजी मिसी से बटाटा टिके बहलिया हबो, से मुझे गोटे किंबा 2 चम्मच पानी नहीं सेथिरे मिसई भल भाव फेंटिदेवी। बिरी बटा को हाथ में धरी टिके चेक करिवे, जदि आपन टिके सुखिला लागु थाए आ 1 चम्मच पानी दे ताको भल भाव किछ समय फेंटिदेवे। बर्तमान बरा को छाणीबा, से 300 मिलीलिटर रिफाइन तेल को गरम कर तेल रे बरा पकेबा आगरु मो बटाटी को टिके पानी हाथ होई गोटे मिनिट जाए फेंटी देबी। ता द्वारे बिरी बटाटी हाथ रे लागिबनी ओ बरा मते बहुत सॉफ्ट हबो। मु हाथ रे एमिते सबले बरा को सेप दिए। जदि आपन को एमिते हाथ रे बनिया को असुविधा होय थै तो मु गोटे ट्रिक ते आपन मानन को बतेबी। सेथि पई मु एठी जेमिते गोटे तेल जरी नै जे आपन चाहिले कदली पत्र मध्ये ता जगह रे नै परिबे, ता उपरे टिके पानी लगे एमिते बरा को सेप दे परिबे। एबे मु सब बरा को गोटे गोटे करी पकई दे छी। बरार तळपट हेइ आसिलानी, तेल बरार भासिलानी मध्य। बरा हल्का बादामी रंग हेले जाय ताको आमे एपोर्ट सपोर्ट करूथिबा। एबे बरा गुड़ी को हेइ गलानी, ताको गरम तेल रु छाणी आनिबा। सेहि परि भाबे मु सब बरा को एमिति पकई छाणी आनिबे। देखंतु बरा गुड़ी को केते सुंदर और क्रिस्पी देखा जाउ छी। से समान प्रोसेस रे मु सबुतक बरा को पकई दे छी ओ ताकु छाणी आनी छी। इठी देखन तो बरा गुड़ी को केते सुंदर देखा जाउ छी। वीडियो शेष रे मु ताकु भांगी के देखेबी ता भितरु केते सॉफ्ट हे छी। एबे बरा पई नड़िया चटनी प्रस्तुत करबा, सेथि पई मु गुटी छोटो नड़िया को एमिते काटी के नै जाय छी। ताहा सा अल्प किछि धनिया पत्र, गुटी कंचा लंका, गुटी सुखिला लंका, 2 इंच रो खंडे अदा को मु काटी नै जाय छी। ता सह 15-20 चीना बादाम को छाणी के नहीं छी। आपण चाहिले खाली चीना बादाम को भाजी के मध्य नहीं पारिबे एवं ता सहित गोटे बड़ चम्मच जीरा मध्य मु नहीं जाय छी। एबे मु ए सब को पानी दे भल भाव चिकन पेस्टे बनई देबी। ग्राइंडिंग जार रे नड़िया पकेबा आगरु ताकु छोट छोट करी काटी देबी। नड़िया को कोरी के भी नेले आहुरी भल। सब को मु एबे मिक्सर रे पकेई सारिबा परे मु आनुमानिक अनुसार हाफ ग्लास पानी दे प्रथमे ग्राइंडिंग करबी। पेस्ट खदड़िया होइथिबार मु आउ अल्प पानी मिसे ताको भलसे ग्राइंडिंग करिबी। एबे मु पेस्ट को चेक कली, मते तथापि टिके खदड़ा लागिबार मु आउ टिके पानी नै ताको फाइनली पेस्ट बनाई देबी। एटा भी परफेक्टली ग्राइंड हे जाइछि। एबे मु चटनी को छुंक देबी, सेथि पई गोटे पात्र रे 3 बड़ चम्मच सोरिष तेल नै जाइछि, ताको फर्स्ट गरम करबी। सेथिरे एबे 2टी सुखिला लंका मु पकेई देबी। ताको किछ समय भाजिला परे सेथिरे किछ भृसंग पत्र नै पकेई देबी। एबे गोटे बड़ चम्मच सोरिष सेथिरे देबी और गोटे चम्मच पंचफुटण दे भल भाव भाजबी। एबे बासना पई गोटे चुटकी हेंगु पके सारी मु पेस्ट को सेथिरे पकई देबी। किछि समय फुटेबा परे मु सेथिरे स्वाद अनुसार लुण टिके पकईबी। खट्टा मीठा स्वाद पई टिके चीनी मु सेथिरे ऐड करबी। जदि चटनी टे बहलिया होइथे आपण निज आवश्यक अनुसार पानी दे पानिया करि परिबे, नचे जदि चटनी टे पानिया होइ जाय थाए आपण ताको आउ किछ समय फुटे ताको बहलिया मध्ये करि परिबे। बरा ओ नडिया चटनी बे मोर प्रस्तुत होइ जाय छी। एबे ताको सर्विंग प्लेट को काढ़ी सर्व करिबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଘୁଗୁନି କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଯେଉଁଥିରେ ବି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ବରାର ବାହାର ପଟଟି କେମିତି କ୍ରିସ୍ପି ଦିଶୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଭିତର ପଟଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ଆପଣ 3-4 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବରା ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମୋର ନୂଆ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି।